मुस्कानी सेड आई वांट टू पार्टिसिपेंट्स टू इंट्रोड्यूस सेल्फ एंड अमनदीप आप हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। जी मेरा नाम अमनदीप है और मैं दिल्ली से हूँ और वैसे तो मैं इंजीनियर हूँ, साथ ही साथ मैं एक यूट्यूब चैनल भी होल्ड करता हूँ और कुछ पोएट्री का शौक था मेरे को बचपन से ही, स्कूल टाइम से ही, तो उसी को कुछ शब्द को बुन बुन कर पेज बनाया इंस्टाग्राम पे, तो उसपे अपनी पोएट्री जो मेरे को आती है जब कुछ फील होता है समाज के बारे में या किसी चीज के बारे में तो वहाँ पे उस चीज को लिखता हूँ। IMRPSTR करके पेज मेरा इंस्टाग्राम पर, तो यही सब है, पोएट्री में थोड़ा इंटरेस्ट है। वैसे आपके बैकड्रॉप से पता चल गया था आप यूट्यूबर भी हो। थोड़ा सेटअप मैंने कर रखा। हाँ, तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस इवेंट विद अमनदीप। जी, तो एक छोटी सी पोएट्री है जिसको मैंने काफी पहले लिखा था और मतलब मैं चाहूंगा कि इसको ज्यादा दिल से ना लगाओ और लगाना है तो काफी एक पॉजिटिव वे में ही लेना। तो क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है, स्टार्ट कर सकता हूँ? ठीक है। तो हंसते होंगे भगवान हमारी भक्ति देखकर। अब इसमें जो भगवान वर्ड है किसी एक रिलीजन के लिए नहीं है, सबके लिए है कि कोई अगर ऑफेंड ना होना कि कोई भी, ठीक है। तो हंसते होंगे भगवान हमारी भक्ति देखकर, फेंक गए नाले में अपने अरमान सेक कर। हंसते होंगे भगवान हमारी भक्ति देखकर, फेंक गए नाले में अपने अरमान सेक कर। हर साल नदियों को नाला बनाया हमने है, आस्था के नाम पर कूड़ा फैलाया हमने है। चीख चीख कर जयकारों को शोर बनाया हमने है, चीख चीख कर जयकारों को शोर बनाया हमने है। रंगों को आग लगा खून बनाया हमने है, तोड़ कर जोड़ कर रोंद कर खेल बनाया हमने है। खौफ है आगा या शोक है आपका, लिखना चाहूं मैं दर्द ये आपका। रोकना चाहो तो करते बात उल्टी, हाल देखो नदियों का करना देना उल्टी। साफ 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 बनाते अभियान कितने हैं, बाकियों को छोड़ो तुम्हारे अपराध कितने हैं, बाकियों को छोड़ो तुम्हारे अपराध कितने हैं। तो ये इन्वायरमेंट के लिए थी कि जो हम अपने इन्वायरमेंट में वेस्ट वगैरह फैलाते हैं और धर्म से जोड़ देते हैं कहीं, और धर्म का जो एक असली चीज होनी चाहिए जिसको हमें प्यार मोहब्बत से निभाना चाहिए और त्योहारों को प्यार मोहब्बत से निभाना चाहिए, उसको हम बर्बाद करते हैं चीजों से। तो उसके ऊपर ये मैंने पोएट्री लिखी थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो। नेक्स्ट एक और है, दो ही कर्म बोलना चाहूंगा मैं। एक नेक्स्ट है, जो आजकल माहौल चल रहा है हमारे आसपास उसके ऊपर है ये पोएट्री। आक्रोश है, आक्रोश है, मैं कुछ ना कर पा रहा, क्या इसमें मेरा कोई दोष है। आक्रोश है, मैं ना कुछ कर पा रहा, क्या इसमें मेरा कोई दोष है। अब होश है, जनता है सो रही, क्या हुआ जो निकले इंसाफी इंसानियत के लिए, उनकी मां रो रही। क्या हुआ जो निकले इंसाफी इंसानियत के लिए, उनकी मां रो रही। जल रहे कैद में जवानी उनकी खो रही, जल रहे कैद में जवानी उनकी खो रही। बिना कसूर मांगे माफी अदालत क्यों सो रही, बिना कसूर मांगे माफी अदालत क्यों सो रही। क्या शर्म सरकार को जरा भी, देश में उठ रहे हाथ बात को, देश में उठ रहे हाथ बात को। रातों रात बदल दो हालात को, ना देते साथ बोले इनको आग दो, ना देते साथ बोले इनको आग दो। समाज को बांट रहे अंधे बना अंधभक्त छाट रहे, समाज को बांट रहे अंधे बना अंधभक्त छाट रहे। देश मेरा इस घड़ी देख रहा हालात को, देश मेरा इस घड़ी देख रहा हालात को। ना आएंगे लाल बाल पाल क्रांति की शुरुआत को। आक्रोश है, मैं कुछ कर पा रहा, क्या इसमें मेरा कोई दोष है। आक्रोश है, मैं ना कुछ कर पा रहा, क्या इसमें मेरा कोई दोष है। थैंक यू, ये मेरी दो पोएट्री थी। So, मेरे बोलने से पहले आई वुड लाइक यू ऑल गाइस टू से समथिंग अबाउट इट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शायरी क्या पोएम थी एंड आई लाइक्ड इट अ लॉट। बट मैं जिस तरीके से यहाँ पे रिएक्शंस देख रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि पहले आप लोग कुछ बोले। शिवेंद्र सर, दोनों ही विषयों में बहुत अच्छा बोला है उन्होंने, और आज का जो है माहौल उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है, बहुत सही बोला है। जिस टाइमिंग पे इन्होंने बोला है, अभी रिसेंटली गणेश चतुर्थी है हमारे अराउंड, मतलब अराउंड द कॉर्नर, एंड ये चीज जो फर्स्ट आपने पोएट्री रखी उसमें अगर मैं मतलब रिलेट करके देखूं तो जैसे गणेश जी की मूर्तियां बनती है, बहुत लोग इको फ्रेंडली बनाते हैं, नो डाउट बनाते हैं,
बिल्कुल बट जो इको फ्रेंडली नहीं यूज करते हैं वो लोग जस्ट बहाते जाते हैं, और एट द एंड क्या होता है वो साइड में किनारे पे सारी की सारी इकट्ठा हो जाती है। बहुत ज्यादा रिलेटेबल था, और प्लस दे जो आपने चुना है इसे बोलने के लिए वो बहुत रिलेटेबल था, सो इट वॉज जी, वेरी अमेजिंग। थैंक यू। आई एम ऑन जी डिड दिल पे उतरी आपकी दोनों कविताएं, बहुत खूब लिखते हैं आप अमनदीप, लिखते रहिए, परफॉर्म करते रहिए, वी लव इट एंड अमेजिंग, सीरियसली अमेजिंग। थैंक यू थैंक यू। यू कैन ऑल्सो रीड कमेंट्स, आप मैसेजेस में जाके कमेंट पढ़िए, बहुतों ने कमेंट्स करे हैं एंड अमेजिंग। जी थैंक यू विवेक जी, आवाज दी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी पहली बार मतलब पहला परफॉर्मेंस है आपका? हाँ मैंने पहला, मैं कोशिश की है मैंने काफी कि मैं कहीं जाके स्टेज पे जाके परफॉर्म करूँ, पर हर बार कुछ एग्जाम प्रिपेयर कर रहा हूँ तो कर नहीं पाता था मैं। बतौर आप आराम से कंटेंट पकड़ के अपना जाके आराम से स्टेज पे तैयारी, मतलब तैयारी आपकी पूरी है, आपको सुन के ही वही लग रहा है आपकी तैयारी पूरी है, आप जिस तरीके से सोचते हैं उसी तरीके से उस चीज को कागज पे इजहार कर पाते हैं, वो बड़ी बात है जी। बहुत सारा दिक्कत यही होती है कि सोचते कुछ और है, जब लिखने जाते हैं तो उसका वो वजन नहीं मिल पाता, आपकी बातों में आपके लिखावट में वो वजन दिख रहा था, अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच अमनदीप फॉर परफॉर्मिंग, एंड फॉर द नेक्स्ट परफॉर्मेंस आई वुड लाइक टू कॉल विवेक। हमारे लास्ट फाइव की ओपन माइक के सॉरी के जैसे ही, एंड या दैट वाज इट। अमनदीप आप कुछ कह रहे हो? जी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल हाँ जी। तो अभी सबने परफॉर्म कर लिया है, और वैसे बीच में मैं वैसे तो अपने सिस्टम के ऊपर लाइव था अभी, फिर मम्मी ने मेरे को खाना खाने के लिए बुला लिया नीचे, और भूख भी लग गई है, और आप सबको काफी भूख लगी होगी वैसे तो, या किसी ने खा भी लिया होगा, तो मैं कुछ लाइनें हैं वो शेयर करना चाहूंगा, और आपकी जो भूख है थोड़ी बढ़ जाए उससे, तो मैं क्या कर सकता हूँ। I'm so sorry यार, मेरा नेटवर्क चला गया था, मुझे नहीं समझ आया, मैं पता हूँ क्या पूछा, मैं दोबारा दोबारा बता देता हूँ। अमनदीप कुछ करना चाहता है तो वो तुमसे परमिशन ले रहा है। Okay, it's not very long, right? Like it's 9:45, हाँ, so it's short. Five to ten lines only. Sure, go ahead. ठीक है, तो वही भूख बढ़ाने के लिए कुछ लाइनें मैंने लिखी थी। तो बिरयानी लवर तो काफी सारे होंगे ग्रुप में, कुछ वेज वाले होंगे कुछ नॉन वेज वाले होंगे, तो मैं शुरू करता हूँ ऐसे। भूख लगे लगे सब खाली खाली, ढूंढे मेरी नजर खाने की थाली, याद आती बिरयानी की थाली, वो अंडे खुशबू चावल की, बेहतरीन मसाले प्याज भुने ऊपर से डाले, रायते के साथ हो या चटनी, लगे तो स्वाद आगे तेरे कुछ नहीं, पहला वो बाइट भूल जाऊं, आई ऑन डाइट, कहे दिल दिस इज राइट दिस इज राइट दिस इज राइट विद एवरी बाइट, मैं करूं शुक्रिया देने वाले का बनाने वाले का, निकले जब दूसरा एग, यही वो स्वाद का असली टैग, और रंग बदले जब हम समझे लोगों को गहराई में, और रंग बदले जब हम समझे लोगों को गहराई में, पर तेरे रंग बदले तो लगे जन्नत है भाई, और तेरे हर पहरे में कोलकाता हो या बिरयानी, तेरे हर पहरे में कोलकाता हो या हैदराबादी, मुंह में नाम से ही ला रही। मुस्कान की बिरयानी भिजवा दो। देखो यार मैं भी खुद बेलीफ जा रहा हूँ खाने, मैं वेज ही खाती हूँ, वेज बिरयानी इट एग्जिस्ट इन योर पीपल्स वर्ल्ड, ठीक है, मेरे लिए वो वेज बिरयानी होती है, बट मुझे ना खाना बहुत पसंद है, अभी तक मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत अच्छी थी बट मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं भी वेजिटेरियन ही हूँ, वेज बिरयानी ही ढूंढता हूँ जो मेरी नजर ढूंढती है, बट एग भी खा लेता हूँ कभी कभार। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, केक भी नहीं खाती जो ब्रिटानिया का आता है, सो नो। अच्छी बात अच्छी बात अच्छी बात अच्छी बात, राजस्थानी लोग समझ सकते हैं अगर तो, शायद आपके मुंह में राल आ गई हो ये सुनकर। नहीं
मुस्कान दी, अब आप भी कुछ परफॉर्म कर दी।